हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का मेकअप लुक भी एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। मिशकास फैमिली चैनल करके एक बीघा मैम है, उनका चैनल है। मैं उनके वीडियो से ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रही हूँ। आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगेगा। और मैं उनके मेकअप लुक की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे डाल दूंगी, आप चाहें तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे रिक्रिएट किया है, तो फिर जल्दी से अपने वीडियो में मूव ऑन करते हैं। और ये मेकअप लुक सिंपल पार्टी मेकअप लुक है और उन्होंने अंडर 150 के ही अंडर इसको क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने फेस में टोनर लगा रही हूँ, और जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। और ये ग्लो टोनर है, इसे लगाने से आपके फेस पे एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है। इसको 2 मिनट हम सूखने देंगे और जब ये एब्जॉर्व हो जाएगा तो फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। तो टोनर के बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज जेल, और इसको मैं थोड़ा सा लेकर के अपने फेस में अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेघा मैम ने भी यूज़ किया था जेल जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ ऑरेंज जेल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम, और ये सीरम बहुत ही अच्छा है। इसको आप डेली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपके फेस में एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है और ऑयली तो स्किन बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद मेघा मैम ने यहाँ पे यूज़ किया था कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम, तो वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सेफ्रॉन डे क्रीम यूज़ कर रही हूँ, और उसको थोड़ा सा लेकर के अपने फेस में अच्छे से लगा लूँगी। ये स्टेप आपको करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके फेस में एक बहुत ही अच्छा शाइन आता है और आपका चेहरा मॉइस्चराइज रहता है, तो आपका मेकअप भी बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस हो जाता है। और इन सभी की परचेज़ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। जब भी इसमें सेल चलती है purple.com में, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बेस के लिए पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, और इसे थोड़ा थोड़ा लेकर के अपने पूरे फेस में डॉट डॉट करके लगा लूँगी, और फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से स्मज कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बेस हमारा फ्लॉलेस हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक ये ब्लेंड होता ही जा रहा है। तो आपको ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका बेस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फेस में आपको एक अच्छी सी शाइन दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ NYB की कॉन्टोर स्टिक, और मेरा शेड है 7, और मैं इसमें सिर्फ अपनी नाक को कॉन्टोर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेघा मैम ने सिर्फ अपनी नोज़ को ही कॉन्टोर किया था। और अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से स्मज कर लूँगी, मतलब कि ब्लेंड कर लूँगी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ NYB का कॉम्पैक, और इसको थोड़ा थोड़ा लेके अपने फेस पे लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेघा मैम ने बहुत ही थोड़ा सा कॉम्पैक यूज़ किया है। उन्हें ग्लोई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उनकी तरह ही मेकअप रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देन मैं उसके बाद NYB की काजल पेंसिल लूँगी, आईब्रो पेंसिल, और इसे अपनी आईब्रोज़ पे फिल कर लूँगी। उन्होंने अपने जो आईब्रोज़ हैं वो थोड़ा मोटे मोटे रखे हैं, तो मैं उनकी तरह ही ट्राई कर रही हूँ, और एक स्पूली की हेल्प से मैं इसको अच्छे से स्मज कर लूँगी। यहाँ मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, आप जब भी कहीं बाहर जा रहे हों या मेकअप कर रहे हों, तो आप ज़रूर अपने आईब्रोज़ को फिल इन किया करें, इससे आपका लुक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सुंदर लगता है। नेक्स्ट यहाँ मेघा मैम ने आई शेडो के लिए NYB का क्रियॉन यूज़ किया है, तो मेरे पास वो क्रियॉन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ NYB के लिपस्टिक को ही लेकर के एज आ आई शेडो अपनी आईज पे अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। फिर एक स्मजर ब्रश से लेकर के उसको अच्छे से स्मज कर लूँगी, और फिर उसे एक क्रीमी लुक देने के लिए मैं सेम अपने कॉम्पैक्ट से उसको थोड़ा सा पाउडर सेट कर लूँगी, जिससे कि उसका क्रीमी लुक जो है वो मैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी आई शेडो नहीं है और आप आई शेडो लगाना चाहते हैं, तो एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर का आईलाइनर, और ये NYB का है, क्योंकि यहाँ पे मेघा मैम ने ग्रीन लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया था जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको एज अ आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और ये सभी काजल पेंसिल बहुत ही अच्छी हैं, आप चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे शेड आते हैं। ऐसा करते हुए हमें अपने दोनों आईज में इसको अप्लाई कर लेना है, और मैं इसको तब तक लगाऊंगी जब तक कि मेरा जो मैं शेड चाह रही हूँ वो मुझे कलर मिल नहीं जाता। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYB का ब्लैक काजल, और इसको मैं पतला पतला अपनी आईज पे लगा करके अपनी फिंगर से ही स्मज कर दूँगी, क्योंकि मैम ने यहाँ पे काजल लगाया था, तो उसी तरह मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ।
नेक्स्ट मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये एक लोकल मार्केट से मैंने मस्कारा लिया था, आई डोंट नो इसका क्या नाम है, तो मैं ये अंडर 50 में आपको यूज़ करके अप्लाई करके दिखा रही हूँ। और मैम ने यहाँ पे कोई भी फॉल्सीज यूज़ नहीं करी हैं, इसलिए मैं भी बिना फॉल्स के ही आपको मेकअप लुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट मैं यहाँ लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ NY Bay विद ऑर्गन ऑयल लिपस्टिक, और ये बहुत ही अच्छा रेड कलर है। आप चाहें तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, मेरी न्यू परचेज लिपस्टिक करके टाइटल है, आप चाहें तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं अब अपने पूरे मेकअप को फिक्स करने के लिए यूज़ कर रही हूँ NY Bay का फिक्सर, मेकअप फिक्सर, और इसको लेकर के अपने पूरे फेस में फिक्स कर लूँगी, और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जितना एक्स्ट्रा आ गया है उसको एब्जॉर्ब कर दूँगी, हटा दूँगी। और एक बात और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो मेकअप फिक्सर का जरूर यूज करें, इससे आपका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।